हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ अपने किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए अरहर की डबल फ्राई दाल बनाऊंगी। ये डबल तड़का दाल खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। रेस्टोरेंट में, ढाबे पे जब हम जाते हैं तो फ्राई दाल ऑर्डर करते हैं, सेम वही दाल मैं आज आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। आपको तो पता ही है, अरहर की दाल में प्रोटीन भरपूर होता है, तो हमें एक बार लंच में अरहर की दाल ज़रूर लेनी चाहिए। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकर में मैंने दाल को डाल दिया है, अब इसमें मैं पानी डालूंगी। तो 2 से 2.5 ग्लास पानी डाल दीजिए। एक कटोरी अरहर की दाल है ये, देखिए पानी भी डाल दिया मैंने। अब इसमें हल्दी डालूंगी। चलिए इसमें अब हम हल्दी डाल देते हैं। देखिए मैंने हल्दी भी डाल दिया। अब इसमें नमक डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डालिए। कुकर को बंद कर देते हैं और 2 सीटी आने तक इंतज़ार करेंगे। यह हमारी दाल 2 सीटी में पक जाएगी। देखिए हमने गैस बंद कर दिया है। देखिए हमने कुकर को खोल लिया है, हमारी दाल पक गई है। चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए फ्रेंड्स, दाल एकदम अच्छी तरीके से पक गई है। कढ़ाई चढ़ा दिया मैंने, दाल को फ्राई करेंगे अब हम इसमें। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम घी डाल रहे हैं। 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाल दिया है। फ्रेंड्स, अरहर की दाल घी में बहुत टेस्टी लगती है। देखिए घी गर्म हो रहा है, इसमें हमने हींग डाल दिया। इसके बाद जीरा ऐड करेंगे। हींग और जीरा हमारा पक रहा है। देखिए फिर जीरा पक गया है। अब मैं इसमें कटी हुई प्याज ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 2 प्याज लेके कट कर लिया था। 1 टमाटर ऐड कर दिया है। 4 से 5 लाल मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट। चला लेते हैं अच्छी तरीके से, इसे मिला दें और मीडियम आंच में इसे पका लें। देखिए हमारा तड़का जो अच्छे तरीके से पक रहा है, इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं ताकि जल्दी से पक जाए। हमने नमक ऐड कर दिया, इसे चला रहे हैं। इसे ढक्कन लगा देते हैं ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। चेक करते हैं इसको। देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा तड़का पक रहा है। इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा गरम मसाला, 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड करिए, ज़्यादा नहीं। ये घर का बना हुआ गरम मसाला है। देखिए तो तड़का कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा धनिया का पत्ती, देखिए हमारा तड़का अच्छी तरीके से पक गया है। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से आराम से हम इसमें दाल ऐड कर देंगे।
अब हम दूसरी साइड में एक पैन चढ़ा दिए हैं, कि हमने आपसे कहा था ना कि हम डबल फ्राई करेंगे इसको। ये डबल तड़के वाली दाल है। घी डाल दिया हमने इसमें, घी गर्म हो जाए। देखिए इधर हमारी दाल जो है वो पक रही है। इसे एक बार हम फिर से उबाल लेते हैं। ऐसा करने से हमारी दाल और भी टेस्टी बन जाती है। घी तो गर्म हो गया है, चलिए इसमें अब हम जीरा ऐड करेंगे। थोड़ा सा जीरा डाल दिए और लाल मिर्ची। हल्का से चला लीजिए, गैस बंद कर दीजिए ताकि आपका ये तड़का गले नहीं। थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दीजिए। देखिए हमारी दाल कितनी यम्मी लग रही है ना फ्रेंड्स। एक बार इस दाल को इस तरीके से बनाकर ज़रूर खाइएगा। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। हमने सर्विंग बाउल में इसे सर्व कर लिया। अब हम इसके ऊपर देखिए गर्मा गर्म दाल हमारी तैयार है। दूसरा तड़का डाल देते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स, दाल देखने में जितनी यम्मी लग रही है, खाने में इससे कई गुना ज़्यादा ये टेस्टी और यम्मी है। फ्रेंड्स इस दाल को एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के खाइएगा और अपने कमेंट हमारे तक पहुँचाइएगा। अगर आपको ये दाल की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर।